बच्चों, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज योर क्रूशियल टाइम फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड सो ऑन. दिस इज ए गोल्डन पीरियड of your life because you are a child. बच्चों की ये जो उम्र है ये बहुत अच्छी उम्र है. इसमें सीखने को, समझने को बहुत कुछ होता है. हमें शिक्षा मिलती है अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर्स से, सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, अपने पड़ोसियों से. जितना भी शिक्षा हो सके उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए. कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, कभी अच्छी मिलती हैं, कभी कुछ शिक्षाएं गलत भी मिल सकती हैं. तो भगवान ने हमारे पास ब्रेन दिया है, बुद्धि दी है. कौन सी शिक्षा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी शिक्षा हमारे लिए हार्मफुल है, ये हम सोच सकते हैं. क्योंकि अपनी एबिलिटी और अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ हम स्वयं जानते हैं कि हम किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं और किस चीज़ को हम कर तो सकते हैं लेकिन कुछ मुश्किल आती है. हम उन चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और उन चीज़ों को हम आसानी से नहीं कर पाते जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है. अब इस उम्र में बच्चे, कभी उनको दिया जाता है खाने के लिए, तो कुछ चीज़ों को बच्चे लाइक करते हैं, उसको खाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन कुछ चीज़ें जब बच्चों को दी जाती हैं तो वे खाने में आनाकानी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. हर चीज़ को खाना चाहिए क्योंकि हर सब्जियों में कुछ ना कुछ विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं. हमें अपने टेस्ट को डेवलप करना चाहिए. जब हम धीरे धीरे उन चीज़ों को खाते हैं, उन सब्जियों को खाते हैं, तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी उन चीज़ों को धीरे धीरे एडॉप्ट करने लगती है. तो अगर कोई बच्चा ये कहे कि हम इस चीज़ को नहीं खाएंगे या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर अच्छी नहीं लगती तो भी आप इसे खाइए, धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेंगी. इसी तरह पढ़ाई के बारे में है. स्कूल में जितने देर पढ़ाई होती है उतने देर तक आप अटेंटिव बने रहिए. इसके बाद घर पे जाके जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई गई हैं उन चीज़ों को घर पे जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको वे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी. यदि उन चीज़ों को हम घर पे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो स्कूल में जो पढ़ाया गया है उन चीज़ों का अधिकांश भाग हम भूल जाएंगे. जब हम भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होगा, हमारे नंबर कम आएंगे. इससे हमें पेरेंट्स की, गार्जियंस की डांट पड़ सकती है, टीचर्स की डांट पड़ सकती है. तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ाई जाए उन चीज़ों को घर पे आप रिवाइज अवश्य करें. और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल में जो चीज़ कल पढ़ाई जानी है उसको एक दिन पहले ही घर पे आप पढ़ लें. इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जब टीचर स्कूल में उस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको आसानी से वो लेसन समझ में आ जाएगा. और आपके अंदर जब आप घर पे पढ़े रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे
आप उन क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। घर पे पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि घर पे बहुत ही शांति होती है और हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन भी हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो स्कूल के साथ साथ घर पे भी आप पूरा पढ़ने का प्रयास करें और समय ज़्यादा दें पढ़ाई के प्रति। अगर एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ में एक घंटा दो घंटा आपने पढ़ा, फिर आपको थोड़ी बोरियत महसूस हुई, तो आप दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाइए, हिंदी लेके बैठ जाइए, हिंदी पढ़ने के बाद इंग्लिश लेके बैठ जाइए, इंग्लिश के बाद SST लेके बैठ जाइए। इससे जो आपका बोरियत है वो दूर हो जाएगा और पढ़ाई के प्रति आपके मन में जो एक शंका है, जो एक भय है, ये दूर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग ठीक नहीं होती। हैंडराइटिंग के लिए आपको डेली कम से कम 2 पेज इंग्लिश के हैंडराइटिंग, 2 पेज हिंदी की हैंडराइटिंग घर पे अवश्य करना चाहिए और टीचर्स को उसे दिखाना चाहिए, बल्कि साइन भी करवा लीजिए। इससे आपकी हैंडराइटिंग 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने पे अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट बने, अपने प्रति ईमानदार बने, सफाई का ध्यान रखें, कभी भी भोजन के पहले हाथ को साबुन से कायदे से साफ करें, खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को, मुंह को साफ करें कायदे से। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इससे आप बीमार कम पड़ेंगे और बीमार कम पड़ेंगे तो स्कूल ज़्यादा आएंगे, स्कूल ज़्यादा आएंगे तो आपके लिए ही, आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। यही बातें मुझे शेयर करनी थी आज भारत के बच्चों के लिए और विश्व के बच्चों के लिए, कि बच्चों तुम अपने प्रति ईमानदार बनो और अपने गार्जियन, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार बनो और राष्ट्र के लिए ईमानदार बनो। इससे राष्ट्र भी मजबूत होगा और आप भी मजबूत होंगे।